तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें तुम देखोगे कि ये है कन्वर्जन, जैसे डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट, तो उसी तरह से एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्जन पे बेस है। तो ये सबसे पहले कन्वर्जन का रूल क्या होता है ये देखो। रीडिंग इन वन स्केल, ठीक है, जब टेम्परेचर रीड करते हो तो रीडिंग ऑन एक स्केल, किसी भी स्केल पे टेम्परेचर की रीडिंग माइनस उस स्केल का लोअर लोएस्ट पॉइंट डिवाइड कर दूं उस स्केल का हाईएस्ट पॉइंट, जिसको मैं अपर पॉइंट बोलता हूँ, अपर पॉइंट माइनस उसी स्केल का लोअर पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है, ये किस कोई भी स्केल अगर बनाया जाता है तो ये रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस स्केल पे देखोगे, स्केल ए पर देखोगे तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 0.30 है, ठीक है। और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, इस पॉइंट का टेम्परेचर है भाई, वो है देखो 100 और कॉमा 30, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट है 100.180, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट ये वाली। तो स्केल ए पर जो लोएस्ट पॉइंट है वो 30 है, ये लोएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट 180 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ से। और स्केल बी देखोगे तो इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ है 0 है, 0 मिनिमम रीडिंग है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट 100 है। तो अब यहाँ से तो रीडिंग आप देखोगे तो रीडिंग इन स्केल ए पर अगर रीडिंग देखोगे तो टेम्परेचर इन स्केल ए माइनस इसका लोएस्ट पॉइंट ए का, तो लोएस्ट पॉइंट का इसका 30 है और अपर पॉइंट इसका 180 है, लोएस्ट पॉइंट इसका 30 है, बराबर होगा टेम्परेचर आप रीडिंग इन बी और माइनस, ठीक है, टेम्परेचर इसका लोएस्ट पॉइंट बी का जो इस टेम्परेचर है वो उसका लोएस्ट पॉइंट 0 है और अपर पॉइंट इसका 100 है, लोएस्ट पॉइंट 0 है। मतलब टेम्परेचर ऑफ ए माइनस 30 इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी रीडिंग और 100। दिस इज द बेसिकली द रिलेशन ऑफ द टू टेम्परेचर कन्वर्जन। यहाँ से एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। टेम्परेचर ऑफ रीडिंग ए में पता हो तो टेम्परेचर ऑफ बी बड़े आराम से कैलकुलेट करोगे, और यही इसका सोल्यूशन है। टी ए माइनस टी बी 100 और टी बी 100, यहाँ से टी ए माइनस टी बी 30, तो ये जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।